बेसिकली अगर सबसे पहले हम जो कुछ जानेंगे वो है रिसोर्स कंट्रोलर के बारे में, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोलर्स होते हैं। बेसिकली रिसोर्स कंट्रोलर किस लिए होते हैं, यहाँ रिसोर्सेज से क्या मतलब है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ एक कंसेप्ट आता है क्रड, CRUD, क्रिएट रीड अपडेट एंड डिलीट। बेसिकली क्रड है क्या, इसके बारे में हम जानेंगे। शायद हमें बेटर रहेगा, ये देख लेते हैं। हम रिसोर्सेज से यहाँ मतलब है डाटाबेस के अंदर हम जो क्रिएट रीड अपडेट डिलीट के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, यानी एक हमारे डाटाबेस रिसोर्सेज हैं, टेबल्स हैं, ठीक है, रिकॉर्ड्स हैं, उनके ऊपर जो हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं वो क्रड के अंदर आते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे जो रिसोर्स कंट्रोलर है वो क्रिएट रीड अपडेट डिलीट की फंक्शनैलिटीज़ को, इनकी रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें अपने, अभी तो मैंने वो डिलीट कर दिया, ठीक है। तो जो भी हम कंट्रोलर क्रिएट करते हैं उसके अंदर कुछ फंक्शनैलिटीज़ इंप्लीमेंट हो जाती हैं रिसोर्स कंट्रोलर अगर हम क्रिएट करें। तो रिसोर्स कंट्रोलर हम एक पहले क्रिएट करके देखते हैं, ठीक है, फिर मैं आपको ज़्यादा बेटर वे में बता पाऊँगा। यहाँ पे हमारी कमांड है रिसोर्स कंट्रोलर की। टर्मिनल स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं कंट्रोलर, रिसोर्स कंट्रोलर, PHP आर्टिजन। मेक कंट्रोलर, इसके आगे कंट्रोलर का आपका नाम, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल, मैं जैसे ब्लॉग पोस्ट हैं उससे रिलेटेड डाटास अपडेट डिलीट रीड एंड क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ अपने कंट्रोलर का, पोस्ट कंट्रोलर स्पेस। लेकिन इसके आगे हमें एक ऑप्शन देना है, पास करना है पैरामीटर इस कमांड को, रिसोर्स, ये हम किस टाइप का कंट्रोलर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। एंटर। हम यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। ये है कमांड PHP स्पेस आर्टिजन मेक कॉलन कंट्रोलर, कंट्रोलर का नाम रिसोर्स, ठीक है। जैसे हम पोस्ट के लिए बना रहे हैं, मान लीजिए पोस्ट कंट्रोलर है, ठीक है, ये टाइम ले रहा है। अच्छा, ये नहीं क्या हर एक सिस्टम पे इतना ही टाइम ले, मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो हो रहा है तो इसलिए टाइम ले रहा है, आपके सिस्टम में हो सकता है ये फास्ट क्रिएट हो। कुछ ज़्यादा ही टाइम ले रहा है ये। हम देख रहे हैं यहाँ कंट्रोलर क्रिएट हो गया, कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली, चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं
कि कंट्रोलर फोल्डर के अंदर पे पोस्ट कंट्रोलर की फाइल आ गई है, पोस्ट कंट्रोलर डॉट पी एच पी। चेक करते हैं इसको, टर्मिनल में क्लोज करता हूँ। यहाँ हम देख रहे हैं कि पोस्ट कंट्रोलर डॉट पी एच पी के अंदर हमारी क्लास क्रिएट की हुई है इसने, एक पोस्ट कंट्रोलर क्लास जो कि एक्सटेंड कर रही है कंट्रोलर क्लास से, यानी इनहेरिट हो रही है कंट्रोलर, और उसके अंदर रिसोर्स हैंडलिंग के फंक्शंस उसने ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिए हैं। डिस्प्लेइंग ए लिस्ट ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स से मतलब यहाँ पे रिकॉर्ड से है, डाटा से है जो हम फैच करेंगे, ठीक है, डाटाबेस से, और उसको डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। क्रिएट का फंक्शन, ठीक है, स्टोर का यानी सेव का फंक्शन डाटाबेस में सेव का, ठीक है, शो का फंक्शन, ठीक है, और एडिट का फंक्शन, इसी तरह से अपडेट का फंक्शन एंड डिलीट डिस्ट्रॉय का फंक्शन, ठीक है। तो बेसिकली सारे फंक्शंस इस यहाँ पर डिफाइन हो गए हैं पोस्ट कंट्रोलर क्लास के अंदर, ठीक है। ये क्लास के अंदर इनहेरिट हो रहे हैं रिक्वेस्ट क्लास, रिक्वेस्ट नेम स्पेस से, ठीक है। उसी तरह से कंट्रोलर क्लास, कंट्रोलर नेम स्पेस के अंदर ये आ रहे हैं, इन क्लास डिफाइंड है, ठीक है, कंट्रोलर्स के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पे इन फंक्शनैलिटीज़ को आगे हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से हम कंट्रोलर, रिसोर्स कंट्रोलर को रिसोर्स हैंडलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से रिसोर्सेज को क्रिएट, ठीक है, रीड, अपडेट, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स क्रिएट फंक्शनैलिटी इन कंट्रोलर जो कि हम यूज़ कर सकें राउट्स में। बेसिकली हम राउटिंग टू कंट्रोलर्स के टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, मींस कि हम किस तरह से रिक्वेस्ट को राउट्स कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं कंट्रोलर को, और कंट्रोलर की तरफ से रिस्पांस जो है वो आगे पास हो जाएगी व्यूज़ को बेसिकली। तो चेक करते हैं, ये कंट्रोलर हमने क्रिएट किया, ठीक है। इसमें एक फंक्शन है इंडेक्स फंक्शन, डिस्प्ले करता है लिस्ट ऑफ द रिसोर्सेज, यानी यहाँ पे फंक्शनैलिटी क्या होगी, रिटर्न करना डाटा को जो कि इसको रिक्वेस्ट किया गया है, ठीक है। बेसिकली ये सभी फंक्शन कोई स्पेशल फंक्शन नहीं है, ये एक टाइप से इसके अंदर हम जब तक हम कोई स्पेशल फंक्शनैलिटी नहीं डालेंगे क्रिएट की, एडिट की, अपडेट की, तब तक ये फंक्शंस जो नाम के अकॉर्डिंग फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाते हैं राउट्स में वेब के अंदर, ठीक है। ये हमारे पहले राउट्स बने हुए हैं, ठीक है। मैं एक नया राउट बनाता हूँ, क्रिएट करते हैं, इसी को कॉपी कर लेता हूं, पेस्ट इट, चेक कर लेते हैं पोस्ट नाम से मैंने पहले कोई और तो नहीं बना रखा, नहीं कुछ नहीं, ठीक है। राउट क्लास, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, गेट फंक्शन उसका, ठीक है। अंदर मैं पास करता हूं जो हमारा राउट होगा वो है पोस्ट, ठीक है, और ये मैं फंक्शनैलिटी नहीं चाहिए मुझे, हाँ ठीक है। अब मैं राउट्स को कनेक्ट कर रहा हूँ कंट्रोलर के साथ, तो मेरा कंट्रोलर हमने किस नाम से बनाया था, पोस्ट कंट्रोलर। मैं चेक कर लेता हूँ कहीं पोस्ट एस तो नहीं लगाया था मैंने, नहीं खाली पोस्ट कंट्रोलर, ठीक है। अब ये जो भी आप, जब भी आप इस पेज को डिस्प्ले करोगे, इस यूआरएल को डिस्प्ले करोगे, तो जो इसकी रिक्वेस्ट है वो किसको सेंड होगी, पोस्ट कंट्रोलर को। तो पोस्ट कंट्रोलर, जैसे हमने कंट्रोल पहले भी डिस्कस किया कि कंट्रोलर क्या होता है, रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, तो राउट हुई रिक्वेस्ट किसको, कंट्रोलर को। लेकिन अब कंट्रोलर उसको कैसे हैंडल करेगा, कंट्रोलर के अंदर तो हमारी फंक्शनैलिटी है, ठीक है। कहाँ गया हमारा कंट्रोलर, ये रहा, ठीक है। कंट्रोलर के अंदर ये फंक्शनैलिटीज़ हैं,
ये फंक्शंस हैं, लेकिन इन फंक्शंस को अभी हम कुछ भी नहीं यूज यूटिलाइज कर पा रहे हैं। जब तक कि हम कुछ सोचते नहीं कि इसके अंदर कुछ कोई फंक्शनैलिटी ऐड नहीं करते, तब तक हम ये परफॉर्म नहीं करेंगे कुछ भी फंक्शंस। चेक करते हैं, एक बार चेक करते हैं। ठीक है, वेब में आ गए। अब मैं पोस्ट कंट्रोलर को जो रिक्वेस्ट भेजूंगा, तो वो रिक्वेस्ट किस फंक्शन को जानी चाहिए, यानी कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना चाहिए। तो अब इस कंट्रोलर के आगे मैं लगाऊंगा एट द रेट का सिंबल। ठीक है, अब उसके आगे हमें वो फंक्शन का नाम देना है जिस फंक्शन को हम कॉल करना चाहते हैं, यानी राउट हो, इस राउट से रिक्वेस्ट पोस्ट कंट्रोलर को जाएगी, नाम के कंट्रोलर को, और उसके आगे वो रिक्वेस्ट सेंड होगी इंडेक्स फंक्शन को। यानी एक टाइप से हम पोस्ट कंट्रोलर क्लास का इंडेक्स फंक्शन कॉल कर रहे हैं। एक वे है और कुछ नहीं है, कॉल करने का वे है। एक्चुअल में तो ये कोई भी कंट्रोलर को रिक्वेस्ट नहीं जा रही, एक्चुअल में तो ये क्लास का एक फंक्शन कॉल हो रहा है। क्लास है हमारी पोस्ट कंट्रोलर, ठीक है, उसका फंक्शन है इंडेक्स जिसको हम कॉल कर रहे हैं। चेक करें, अब मैं इसको सेव करता हूँ, सेव। ठीक है, चेक करें एक बार हमें इस राउट पोस्ट इस राउट को कॉल करके। ठीक है, मैं यहाँ जाता हूँ। स्लैश पोस्ट, इसलिए मेरे पास थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है, स्लो है स्टेम सिस्टम। ठीक है, इतना टाइम नहीं लेगा। हम यहाँ देख रहे हैं कि कोई भी हमें कोई एरर नहीं है। अगर एरर आती है, हाँ ब्लैक स्क्रीन होती है, आपको बताया होता कि कौन सी लाइन पे एरर आ रही है, किस टाइप की एरर है, कोई सजेशंस होते, ठीक है, वो यहाँ पे शो होता, बट कोई एरर नहीं आई। इसका मतलब हमारी जो रिक्वेस्ट है वो राउट हो गई किसको, पोस्ट कंट्रोलर को, और इंडेक्स फंक्शन कॉल हुआ, बट कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ, कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ इन रिस्पॉन्स। ठीक है, तो हम चेक करें जरा हम कोडिंग को फिर से। यहाँ सब कुछ ठीक है, ठीक है, सही रिक्वेस्ट सेंड हो रही है, लेकिन यहाँ पे कोई एक्शन क्यों नहीं परफॉर्म हो रहा कंट्रोलर द्वारा, क्योंकि इंडेक्स फंक्शन के अंदर हमारी कोई भी कोडिंग नहीं है। वेल, जैसे कि हम यहाँ राउट्स के अंदर हम रिटर्न करवाते थे एक डिफॉल्ट फंक्शन, ये आपका कॉल बैक फंक्शन होता था जो कॉल होता था। अब आप ये समझ लो कि ये फंक्शन के अंदर कोडिंग ना होके हमने ये कोडिंग ट्रांसफर कर दी किस में, ये मैं कॉपी करता हूँ, ये कोडिंग मैंने पास कर दी इंडेक्स फंक्शन को, यहाँ पे यहाँ करा। ठीक है, हाई आई एम पोस्ट, ये मैंने सेव कर दिया। एक्चुअल में जो राउट्स के अंदर जो मेरी कोडिंग थी, जो मैं यहाँ डिफॉल्ट में एग्जीक्यूट करवा रहा था डिफॉल्ट फंक्शन के थ्रू, ये मैंने आगे पास कर दी कंट्रोलर को। अब कंट्रोलर इसको एग्जीक्यूट करेगा इंडेक्स फंक्शन के अंदर, यहाँ पे ये इंडेक्स फंक्शन कॉल होगा और इंडेक्स फंक्शन के जो रिजल्ट्स हैं, यानी कि जो भी आउटपुट है, वो पास हो जाएगा किसको, व्यूज को, और व्यू डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे क्योंकि फिलहाल यहाँ पे कोई डिफॉल्ट व्यू नहीं है ना, तो एज इट इज जो भी रिटर्न किया हुआ आउटपुट है पेज पे डिस्प्ले हो जाएगा। चेक करें दोबारा से, एंटर। डन। देखा, हमने एक सिंपल वे में कंट्रोलर को यूज किया कि किस तरह से राउट हुआ रिक्वेस्ट पोस्ट राउट से, सेंड हुई रिक्वेस्ट पोस्ट कंट्रोलर को, पोस्ट कंट्रोलर के अंदर जो फंक्शनैलिटीज थी उसमें से इंडेक्स नाम के फंक्शन को कॉल किया गया, क्योंकि हमने रिक्वेस्ट सेंड करने को पोस्ट कंट्रोलर को कहा था कि इंडेक्स फंक्शन को कॉल करे। ठीक है, इंडेक्स फंक्शन कॉल हुआ, टेक्स्ट रिटर्न हुआ, वो टेक्स्ट रिटर्न होके आगे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गया। ठीक है,
अगर हम व्यू सोर्स देखें ना यहाँ पे, तो देखोगे सिंपल टेक्स्ट है बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो कितना सिंपल सिंपल वे में हम कंट्रोलर को यूज़ कर पाए, यानी जो हम यहाँ पे फंक्शनैलिटीज दे रहे हैं, ठीक है, उसकी बजाय वो फंक्शनैलिटी हमने कंट्रोलर को पास कर दी, ठीक है, और मतलब कंट्रोलर को रिक्वेस्ट पास कर दी और कंट्रोलर ने वो फंक्शनैलिटी एग्जीक्यूट करी, और एग्जीक्यूट करके जो आउटपुट है वो रिटर्न करी जो कि स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गया, ठीक है। ये था सिंपल वे में कंट्रोलर को यूज़ करना, ठीक है। मैं ये छोटे छोटे लेक्चर्स इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप प्रॉपर वे में प्रैक्टिस कर सको। अगर आपको बीच में कहीं भी दिक्कत आती है तो आप वीडियो को रोक रोक के पॉज करके आप लेक्चर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो और नेक्स्ट कंटिन्यू कर सकते हो, या रिवाइज अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आ रही हो तो रिवाइंड करिए, ठीक है, रिवर्स करिए वीडियो को और थोड़ा बैक जाके फिर दोबारा से चेक कर लीजिए कि क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब स्लो स्टडी प्रोसेस से चलेंगे, थोड़ी डेप्थ लेंगे जिससे कि आपको ये क्लियर हो सके कि किस तरह से प्रैक्टिकली हम काम कर पा रहे हैं कंट्रोलर्स या बाकी फंक्शनैलिटीज़ के साथ लरावल के अंदर, ठीक है। तो इस चैप्टर को मैं यहीं स्टॉप करता हूँ, थैंक यू।